स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, मैंने बताया था कि हम लोग जो है बोर्ड का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। मैंने जैसा कि अभी आपको दिखाया था, तो ये लीनियर पहला क्वेश्चन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो हम सॉल्व करेंगे। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा गया है, तो हम देखेंगे कि ये इक्वेशन जो मेरी, ये डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू टाइप की है, इस फॉर्म में है या नहीं है। तो आप देख रहे हो ये वाली जो इक्वेशंस है, ये इस फॉर्म में नहीं है। तो इसको इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको सबसे पहले पूरी क्वेश्चन को एक्स से डिवाइड कर देंगे। तो एक्स से हम डिवाइड जब करेंगे, तो एक्स डी वाई ओवर डी एक्स है माइनस टू वाई इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर इक्वेशन है, इसको हम एक्स से डिवाइड कर देंगे। एक्स यहाँ डिवाइड कर देंगे, यहाँ डिवाइड कर देंगे, यहाँ डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन जो आपकी बन जाएगी वो डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, माइनस टू अपॉन एक्स वाई इक्वल टू फोर एक्स टाइप की बन जाएगी। अब इसकी कंपेयर हम कर देंगे इस वाली इक्वेशन से। तो आप देख रहे हैं पी के प्लेस पे कितना है, माइनस टू अपॉन एक्स आएगा, क्यू आपका जो है फोर एक्स आएगा। अब मुझे पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई की पावर इंटीग्रेट पी डी एक्स होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग यहाँ पे पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, माइनस टू अपॉन एक्स डी एक्स इंटीग्रेट करेंगे, माइनस टू को आउट कर लेंगे, ठीक है, बचेगा वन अपॉन एक्स डी एक्स। वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, लॉग एक्स होता है, ठीक है। तो ये लॉग एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस टू को यहाँ ले जाएंगे, क्योंकि लॉग और एंटी लॉग मुझे कैंसिल करना है, तो ई की पावर लॉग और एक्स की पावर माइनस टू हो जाएगा। अब लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, एक्स की पावर माइनस टू हो जाएगा। माइनस टू को अपॉन में लाएंगे तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। यानी कि बोर्ड का जो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, उसका आंसर जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, वो वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग ये जो इक्वेशन होती है उसको एलडीए की फॉर्म में लाते हैं अगर नहीं है, उसके बाद पी निकाल लेते हैं, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला है, पी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेट कर देते हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा आ जाता है। इसी टाइप से हम दूसरा क्वेश्चन भी अभी सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन था